हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 का सिलेबस जो है कुछ यूं है, और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताऊंगा। इन सभी बुक्स को फॉलो कर लो। देखो, पहली बात तो ये कि बहुत सारी गाइड बुक्स मिलने वाली है मार्केट में, उनसे दूर रहना, कुछ नहीं होने वाला उनसे। गाइड बुक के अंदर बहुत ही मतलब कॉपी पेस्ट करके लिमिटेड चीज़ें दी हुई होती है, जिनका एग्जाम से देखो अगर हम कुछ भी आँख बंद करके भी पढ़ लेना तो 50% चीज़ें सभी एग्जाम में आ जाती हैं। तो वो गाइड बुक से भी वही चीज़ है, आप पैसा फंसा के भी, जैसे आता ना कि ये पब्लिकेशन का ले लो, स्पेशल बिहार पुलिस का निकला हुआ है, बहुत सारे मार्केट में आएंगे, उनसे बच के रहना। वो किसी काम के नहीं होते, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट होते हैं। ठीक है, अगर कुछ मार्केट में आएगा उस तरीके से तो मैं आपको बता दूंगा आगे चल के, बट फिलहाल अभी तक मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि आपको स्पेशली अलग अलग बुक्स पढ़ने पड़ेंगे अगर तैयारी अच्छे से करनी है तो, अगर आप जेन्यून तरीके से एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो। बाकी आप समझ गए। तो जनाब, यहाँ पे हम अलग अलग बुक्स के बारे में जानेंगे, बट पहले सब्जेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। देखो, सब्जेक्ट्स के अगर जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, वो 10th लेवल के होंगे ये कहते हैं, बट फिर भी ये 10th लेवल के जो होंगे तो एक चीज़ अपने को ध्यान देना है कि यहाँ पे हिंदी भी होगी। हिंदी जब होगी तो यहाँ पे गद्यांश होगा। गद्यांश मतलब इंग्लिश में जिस तरीके से पैसेज आता है, हिंदी में गद्यांश आता है, ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं ना कि आपसे 10th क्लास के कोई कविता निकाल के ला दें तो उसको गद्यांश बना के लाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि किसी कवि कविता के कवि का नाम पूछ ले। तो ये सभी चीज़ें आप 9th-10th के, खास करके जितनी पोएम है आपके बुक में हिंदी में, उनके पोएट का नाम पढ़ लेना एक बार, बेटर रहेगा। इसके अलावा जो मैं फोकस करने के लिए कहूँगा आपको, ग्रामर के बुक के बारे में। ठीक है, ग्रामर की बुक के बारे में बताऊँगा, तो ग्रामर पे अच्छा से फोकस करना। जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसी तरीके से हिंदी में हम लोग मुहावरे, जैसे इसको इडियम कहते हैं, इसके अलावा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन सभी चीज़ों को पढ़ना होगा। टेंशन नहीं लो, यूट्यूब पे मैं सब पढ़ाऊंगा। अगर आप बुक नहीं भी लोगे ना तो इसकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगर मैं पीडीएफ के लिए अभी तो फिलहाल कोई चार्जेस नहीं करूंगा। देखो, आपको टेलीग्राम पे जितने भी क्लासेज होंगे, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन के दिए हुए लिंक से। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो व्हाट्सअप करके पूछ लो किस तरीके से ज्वाइन करना है। ठीक है, 7279047787। ठीक है, 047787 पे आप व्हाट्सअप करके पूछ लो, हमारे टीम मेंबर आपको बता देंगे किस तरीके से ज्वाइन करना है। क्योंकि यूट्यूब पे जितनी क्लासेज मैं कराऊंगा आगे चल के, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, जो भी चीज़ें हैं, साइंस है, वो सब चीज़ें आपको पीडीएफ में दी जाएगी फ्री में टेलीग्राम पे। तो उन सबको आप नोट्स बना के पढ़ते जाना। फिलहाल सुनो, यहाँ पे तो हिंदी में आपको ग्रामर पे फोकस करना है, इंग्लिश में आपको ग्रामर पे और वोकैबुलरी दोनों पे फोकस करना है। हिंदी ग्रामर की किसी एक बुक को लेंगे तो उसमें विलोम, पर्यायवाची शब्द मिल जाता है। उसी तरीके से आप इंग्लिश का अलग से अगर कोई बुक खरीदने जाओगे तो मेरे हिसाब से देखो, बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले वो बच्चे मैक्सिमम होते हैं जो एसएससी के नहीं होते, एसएससी वाले बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं करते हैं। तो इस सिचुएशन में आपकी इंग्लिश बहुत ख़राब होती है। मैं 90% बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, तो उनको मैं अगर कोई बुक सजेस्ट कर दूँ तो उनसे नहीं हो पाएगा। तो आप हम पे डिपेंडेंट हो जाओ। ठीक है, अदरवाइज मैं बुक भी बता दूंगा आगे चल के इसी वीडियो में, आप आराम से रहो। इसके अंदर आपसे देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेंगे, ईडियम पूछ सकते हैं, कॉमन एरर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल वाले। ठीक है, जो पिछली बार के क्वेश्चन भी हमने देखा बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं। मैथमेटिक्स पूछेंगे तो मैथ जो भी होगा वो 10th लेवल के बेसिस पे होगा। ठीक है, जैसे आप समझ रहे हो 10th लेवल के बेसिस पे क्या होता है, जनरल कॉम्पिटिटिव अगला, तो वो सब हम लोग कराएंगे यहाँ पे। आपका जो देखो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान जो भी मतलब जीके एंड जीएस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सभी चीज़ें हैं, साथ में साइंस, ये तो सिंगल बुक के अंदर आपको मिल जाएगा जो कि लूसेंट होता है। कुल मिला के 100 नंबर के पेपर होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे टाइम ले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये आपको 10th लेवल के होंगे, साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है इन्होंने। अब देखो, अगर आप जीके जीएस के बारे में बात करें, अगर साइंस भी पढ़ना है चाहे जीके पढ़ना है, आपको मैं 2 बुक बताता हूँ, किसी एक को आप फॉलो कर लेना। फिलहाल बच्चे क्राउन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कह रहे कि क्राउन पढ़ना आसान है, ऐसा कहते हैं, बट मैं अभी भी आपको कहूँगा क्राउन पढ़ना आसान है, लेकिन बेटर अगर होगा तो लूसेंट पढ़ो। अगर आप लूसेंट पढ़ते हो तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड वाला सीन है यहाँ पे, पुरानी है और बेहतर है। ठीक है, अगर आप इसको नहीं कर पाते हो उस सिचुएशन में, आप क्राउन की तरफ जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट आपका फर्स्ट प्रेफरेंस लूसेंट होना चाहिए। और लूसेंट देखो 2 तरीके से, क्राउन और लूसेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है,
लगभग लगभग कंटेंट इनका सेम ही है, बट लूसेंट में क्या है ना आपका हर घर में पाई जाने वाली एक किताब है, घरेलू मतलब ये हमारा ना घरेलू जैसे कहते हैं ना कि हमारा पेट एनिमल क्या है, वो पेट बुक बन गया है लूसेंट आज के जमाने में, हर घर में मिलता है और ये काफी बेटर भी। और कोशिश करना कि इसका लेटेस्ट एडिशन लेना, पुराना लूसेंट मत लेना। लेटेस्ट इसलिए बिकॉज जियोग्राफी के अंदर बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखती है, इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें बदली हुई दिखेंगी, पॉलिटी में बहुत सारी चीजें बदली हुई दिखती हैं, ठीक है। बाकी मिसलेनियस के भी कुछ नए नए जो रिकॉर्ड्स बनते हैं वो बदली हुई चीज है, तो मतलब 2-3 साल पुराना मत लेना। कोशिश करो 2022 या फिर 2023 का अगर लूसेंट हो वो बेटर रहेगा, ठीक है। पुराना पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, जो मेन मेन फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछे जाने होते हैं वही आप गलत कर दोगे, बिकॉज उसमें तो पुराना डेटा होगा, उसके बेसिस पे आप पुराना आंसर कर दोगे अगर एग्जाम में आया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। किस तरीके से लूसेंट को पढ़ना है मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, आप बने रहो। आप लूसेंट पढ़ते हो तो क्राउन लेने की जरूरत नहीं है, अगर क्राउन पहले से ले रखे हो तो फिर लूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई एक ही पढ़ो, ठीक है। बट अगर मेरे को पढ़ना होता तो मैं लूसेंट प्रेफर करता। अब इसके अलावा एक चीज और ऐड करो, मैं किसी बुक का नाम नहीं बताऊंगा, बिहार जनरल नॉलेज का करंट से रिलेटेड पढ़ना। बिहार का जो है ना 2023 का करंट अफेयर ले लो, ठीक है, बिहार के लिए, बिहार में रिसेंट में कौन कौन मंत्री हैं, बाकी बिहार की कुछ चीजें कहाँ पे है, तो वो करंट का लेना, बट अभी मत लो, ठीक है, अभी थोड़ा सा रहने दो, एक महीने बाद लेना। बहुत सारी बिहार पुलिस की वैकेंसी देख के नई नई बुक्स आएंगी, स्पेशली बिहार वाली, देखो उसमें ना बिहार के बारे में सिर्फ दिया हो, बहुत ही पतली सी बुक होगी, 30-35 रुपए में मिल जाएगी बहुत सारे मार्केट में, वो लेना, पढ़ लेना, बिकॉज जितनी भी लेटेस्ट चीजें होंगी अब वाले में, पुराना वाला मत लेना, अब एक महीना रुको, बहुत सारा आएगा, 2023 का ले लेना, उसमें अप टू डेटेड चीज़ें, जैसे बहुत सारे मंत्री चेंज होते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो बनती हैं वो सभी चीज़ें होती हैं, तो वो लेटेस्ट ले लेना, बट अभी के लिए बिहार वाले को रहने दो, उसका नाम बता रहा हूँ, जो भी मिले ले लो, ठीक है, क्योंकि सब वो सभी चीज़ें सही देते हैं, ओके। अब बाकी यूट्यूब पर भी मैं करा दूंगा, नहीं भी लेते हो तो वहाँ से काम चल जाएगा, तो बट ये लूसेंट तो लेना पड़ेगा, ये बाप है, ठीक है। अगर आप हिंदी ग्रामर के बारे में कहते हो तो लूसेंट का भी हिंदी ग्रामर आता है, मैं अगर मैं ये प्रिफर करना है तो करो, या फिर हिंदी ग्रामर के किसी भी बुक से अगर आप विलोम पढ़ लेते हो, विलोम शब्द पढ़ लेते हो, ठीक है, पर्यायवाची पढ़ लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। अगर आपके पास लूसेंट का नहीं है, कोई भी है जहाँ से आप बहुत सारे, लेकिन जो आप 10th क्लास तक पढ़ते आए हो उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, विलोम शब्द ग्रामर का जैसे कहते हैं ना उपसर्ग प्रत्यय ये सभी चीज़ों को पढ़ना होगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, वहाँ पे बिहार पुलिस स्पेशल एक ग्रुप मैं बनाता हूँ, उसमें ज्वाइन करो, क्विजेस चलाते रहना मस्ती में, और बहुत सारी तैयारी वहाँ पे होते रहेगी, ठीक है जनाब। चलो तो ये खैर इंग्लिश के बारे में तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि बुक लो, अगर फिर भी आप एकदम जोश में हो कि नहीं हमको एक एक क्वेश्चन का आंसर करना है, छोड़ना नहीं है, तो वैसे भी मैं बोलता हूँ ना कि देखो हम शुरू से डिफेंस वाले पढ़ाते हैं हमारे मेन चैनल पे, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड, उसमें अच्छा खासा इंग्लिश का लेवल रहता है, और हर बार आराम से 80% 90% चीज़ें इंग्लिश में हमारे कोर्सेज से होती हैं, तो हम यूट्यूब पे आपको फ्री में इंग्लिश की मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे, कुछ चीज़ें आप कर लो यहाँ से आराम से, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8 क्वेश्चन बना लोगे आराम से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 80% चीज़ें आप हमारी पढ़ाई हुई कर लोगे, फिर भी 20% चीज़ों को हम रिजर्व रहते हैं कि जरूरी नहीं कि वो हमारी आ जाए, हो सकता है कुछ डिफरेंट आ जाए, ठीक है, फिर भी ये बहुत बढ़िया है हम जो करा देंगे। अगर नहीं, अगर जोश में हो आप कि नहीं हमको लेना ही है, आप कुछ भी कर लो हम लेंगे, तो आप इस बुक को लो, एक बढ़िया बुक है केडी पब्लिकेशन की, अगर लेना है तब 2023 वाली लेना, अप टू डेटेड चीज, अगर लेने के लिए जोश में हो तब, ठीक है। तो ये सभी बुक्स और सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया, अब थोड़ा सा मैं लूसेंट के ऊपर डिस्कस कर दूँ किस तरीके से पढ़ना है आपको। लूसेंट देखो पढ़ने के लिए आप एक बार में 2 से 3 चीज़ें लेके बैठोगे तो नहीं होगा, ठीक है, आप या तो एक सब्जेक्ट को पकड़ो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम बोर हो जाते हैं इसी को पढ़ने, तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट पकड़ो लूसेंट के अंदर। सब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ तो मैं सिर्फ जीके नहीं कह रहा हूँ, उसके अंदर पॉलिटी होती है, ज्योग्राफी होता है, तो एक चीज़ समझना, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, तो आप पॉलिटी पढ़ना उसके साथ साथ में, ठीक है, आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसके साथ पॉलिटी पढ़ना, खास करके जब हिस्ट्री में आप जाओगे ना तो हिस्ट्री और पॉलिटी का कुछ कुछ आपको वहाँ पे सेम चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, जिस तरीके से आप मॉडर्न हिस्ट्री में जाओगे, ठीक है, तो पॉलिटी के टाइम पे मॉडर्न वाली चीज़ें जैसे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो चीज़ें बनी थी, ठीक है, तो पॉलिटी संविधान वहीं से स्टार्ट ही है, ठीक है, आप लूसेंट का पढ़ोगे तो रॉयल टेक्स्ट से ये सभी चीज़ें मतलब यहाँ से स्टार्ट है, जो कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो ये सभी चीज़ें आप एक साथ पढ़ो। अगर आप हिस्ट्री स्टार्ट करते हो तो मतलब मैं बोल रहा हूँ ना जो कि आप आधुनिक भारत कहते हो, प्राचीन वगैरह पढ़ लो उसके बाद पॉलिटी स्टार्ट करना, अगर आप डायरेक्टली मॉडर्न पे आ जाते हो
ठीक है, मेडिवल में भी आपको पॉलिटी से ज्यादा रिलेटेड नहीं मिलेगा, जिसको मध्यकालीन कहते हैं। आप आधुनिक भारत पे जब आओगे तब पॉलिटी और हिस्ट्री एक साथ ले जाना, उसके पहले आप चुपचाप प्राचीन इतिहास को और मेडिवल इतिहास को पढ़ लो। ठीक है, मॉडर्न जब पढ़ोगे आधुनिक इतिहास तो उसके साथ पॉलिटी स्टार्ट कर लेना। अगर आप जियोग्राफी पढ़ना चाहते हो तो इसके साथ ना फिजिक्स स्टार्ट कर लेना। बोलोगे क्या कॉम्बिनेशन बनाते हो मास्टर, कुछ लॉजिक है? हाँ कुछ लॉजिक है। जियोग्राफी के साथ फिजिक्स पढ़ोगे बढ़िया लगेगा थोड़ा, ठीक है, मन लगेगा, क्योंकि जियोग्राफी के अंदर कुछ कुछ टॉपिक्स आपको मिलेगा सोलर सिस्टम, ठीक है, और जैसे जैसे आगे पढ़ोगे ना उसमें साइंस से रिलेटेड टर्म्स मिलते हैं, जो कि साइंस जब पढ़ोगे आप तो वो टर्म्स थोड़ा सा क्लियर होते जाता है। और इसके अलावा ना मैं बोलूंगा कि रेगुलर ना कम से कम सबसे लास्ट में जो मिसलेनियस है, विविध है, 10-15-20 मिनट निकाल के विविध का एक एक टॉपिक पढ़ते जाओ। अगर वो टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको तीन हिस्सा में बांट के एक एक दिन में ख़त्म करते जाओ। अभी टाइम है, आप पूरा जब जाओगे ना, मैं कहता हूँ सुबह सुबह या फिर कभी भी निकाल के उसको, छोटा है तो पूरा पढ़ लो, बड़ा टॉपिक है तो दो या तीन हिस्से में बांट के उसको पढ़ लो। और नेक्स्ट डे जब आप पढ़ते हो तो जो चीज़ें आपने नेक्स्ट डे पढ़ी हैं उसको पढ़ने के बाद ओल्ड वाला रिवाइज कर लोगे तो बेटर रहेगा। अगर मान लो होता है ना कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तो कितना रिवाइज करें, तो एक कॉपी निकालो, कॉपी पे नोट करते जाओ। जैसे मान लो हम हिस्ट्री या फिर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री या फिर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इवन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो आप, तो उसमें कोई डेटा है जो कि जैसे डेट है, डेटा मतलब कोई डेट होता है जो कि आपको याद नहीं हो पाता है। मान लो डेटा के अंदर हम जनरली डेट को ही रखते हैं ना, कि हम लोग जल्दी याद नहीं होता, हिस्ट्री के अंदर, पॉलिटी के अंदर, पॉलिटी के अंदर हमारे कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि हम भूलते हैं बार बार। इसके अलावा जियोग्राफी के अंदर कुछ फिक्स डिजिट्स होते हैं, ठीक है, जैसे ईस्ट से वेस्ट डिस्टेंस, नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस, या फिर सम डिग्रीज हम भूलते रहते हैं, तो उसको आपको ना नोट्स पे लिखते जाना है, ठीक है, चैप्टर नंबर ये, इसके अंदर हम जो बार बार भूल रहे हैं उसको लिखो और अगले दिन उसका रिविजन करो, फिर इस तरीके से याद होते जाएगा, ठीक है। बाकी इसका देखो जीके का कुछ शॉर्टकट्स नहीं होता, जीके को ट्रिक के माध्यम से पढ़ना बेवकूफ़ी है, दूसरे के बनाए ट्रिक से पढ़ोगे बार बार ट्रिक रटना पड़ेगा, इससे अच्छा हम फैक्ट रट लेंगे। ट्रिक देखो जीके में खुद से बनाओ, ट्रिक का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे ना मित्र पे गमछा झार और फालतू फालतू चीज़ें बनाई जाती हैं, आप अपने बेसिक चीज़ों को उससे जोड़ो, जोड़ के बनाओ। इवन मान लो कोई नाम है, ये युद्ध कब हुआ, तो इस तारीख को हुआ, उस तारीख से रिलेटेड अपने आसपास की चीज़ों को जोड़ दो, बोलने में किस तरीके से लगता है, या फिर माइंड में कुछ खुरपात चल रही होती है तो उससे चीज़ों को ऐड करो। अब ठीक है, अब मैं खुल के ज़्यादा चीज़ें बोलूँगा तो कॉमेडी हो जाएगा, तो इतनी चीज़ों को आप रिलेट करके आप याद करो, ठीक है। बाकी जैसे जैसे जीके पढ़ेंगे ना तो मैं आपको रिलेट करने के लिए सिखाऊंगा कि इस चीज़ को किस तरीके से रिलेट करना है, उसमें मज़ा आएगा, ठीक है। बाकी जो मेन फोकस आपका है, आप ये नहीं है ना खाली जीके पढ़ेंगे, आपको हर चीज़ पे करना होगा, इवन जीके हो, जीएस हो, साइंस भी हो, ठीक है, सब पे, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, सब पे बराबर ध्यान देना, बिकॉज एक चीज़ों के सहारे एग्जाम नहीं निकलता, ये खुद का एक्सपीरियंस है। बाकी जना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर अभी भी कुछ डाउट है ना तो आप फटाक से कमेंट सेक्शन में बताओ, और ये नया चैनल है, इस वीडियो को जितना शेयर करो बेटर होगा। मंडे से क्लास को स्टार्ट करते हैं, मतलब 12 जून से।